फिरोजाबाद भारतीय संवर्ण संगठन द्वारा आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। देखिए हमारे संवाददाता स्वरा सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के महावीर नगर स्थित भगवती धर्मशाला में भारतीय सवर्ण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर उपाध्याय ने कहा कि दो दिन बाद भारतीय सवर्ण संगठन की युवा शाखा 7 बालिकाओं का सामूहिक विवाह करने जा रही है और साथ ही उन्होंने सवर्ण जातियों से ये अपील भी की कि वो इस कार्यक्रम में आकर लोगों का उत्साह वर्धन करें ताकि बुद्धिजीवों में इस प्रकार के संस्कारों का संचालन हो सके। फिरोजाबाद से स्वराज सिंह, SKH न्यूज। भगवती धर्मशाला महावीर नगर में जो आयोजित की गई है, इसमें हमारे युवाओं के अंदर उत्साह था कि कोई अच्छा कार्यक्रम और किया जाए। भारतीय सवर संगठन नित नए कार्यक्रम करता रहता है, उसी कड़ी में 7 कन्याओं का विवाह, सामूहिक विवाह ये प्रथम बार करने जा रहा है भारतीय सवर संगठन, जिसकी जिला की जो युवा टीम है उनके सौजन्य से हो रहा है। हम लोगों ने मार्गदर्शन किया है और बड़ा उत्साह के साथ ये जो हमारे युवा हैं, आशु उपाध्याय, विशाल गुप्ता, ये इनकी जो टीम है बहुत ही क्रांतिकारी टीम है, इनके सौजन्य से 11 दिसंबर दिन सोमवार और गोकुल रिसोर्ट जो मीरा चौराहे के पास है वहाँ पर आयोजित हो रहा है। मैं सवर्ण बंधुओं से अपील करूँगा निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराएं, इन युवाओं का उत्साहवर्धन करें। समाज के लिए हम लोगों ने ये प्रण ले रखा है कि अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। जो चीज़ें हमारे समाज में जिन चीज़ों की कमी आ गई है, हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं लेकिन हम सुप्तावस्था में चले गए, कुछ जन जागरण कर रहे हैं, उनको जगाने का काम कर रहे हैं। तुम्हारे हितों की कौन लड़ाई लड़ रहा है, समाज में कहाँ कुरीतियाँ हैं, इस तरह का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और अगर ये अच्छा सफल कार्यक्रम सब लोगों के सौजन्य से, मीडिया भाइयों के प्रचार प्रसार के माध्यम से ये सफल होता है तो फिर हम और अच्छा कार्यक्रम करेंगे। अभी 7 कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, सामूहिक विवाह, फिर हम हो सकता है 21 कन्याओं का करेंगे। हमारे सम्मानीय अग्रवाल जी हैं, शरद गुप्ता जी हैं, शशि शर्मा जी हैं, सौरभ जी हैं, पवन जी हैं और समस्त टीम अपने अपने क्षेत्रों में लगी हुई है इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए। तो हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, हमारा प्रचार माध्यम जितना सशक्त होगा, हमारा संगठन उतना मजबूती के साथ उभरेगा। हमारे समाज में जो कुरीतियाँ आ गई हैं, अप्रैल में और अन्य प्रोग्राम हम करेंगे, जहाँ कमियाँ आ रही हैं उनको सुधार करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे युवा साथियों ने ये संकल्प रखा है कि गोकुल रिसोर्ट में जो कार्यक्रम होगा भव्य होगा, संस्कार युक्त होगा, विधि विधान से होगा। आप लोगों से भी निवेदन करेंगे तो उस प्रोग्राम में भी आप उपस्थिति दर्ज करा के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, यही हमारा प्रयास है।